स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी आज हम लाए हैं क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर नाइन जो कि आपकी पोएम है साखिया कबीर दास कबीर दास जी द्वारा रचित साखिया एव सबद तो उसके एम सी क्यू क्वेश्चन करेंगे हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसे स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर वन मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में इसमें मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है ये भगवान के लिए प्रयोग हुआ है तो इसमें आपका सी ऑप्शन भगवान के लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू है कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है तो ईश्वर का वास मंदिर में भी है जंगल में भी आकाश में भी यानी प्रत्येक जीवों की सांस में यानी इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कबीर ने संत के लिए क्या लक्षण बताएं तो कबीर ने संत के लिए लक्षण बताया कि वह वह निरपक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है तो ज्ञान की आंधी पर मनुष्य का भ्रम दूर भी हो जाता है माँ मोह माया से छुटकारा मिल जाता है मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाती है तो इसमें आपका उपयुक्त सभी कथन सत्य है इसमें भी आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है मानसरोवर अनियोती अनंतना जाही साखी में कौन सा है? तो अलंकार है तो इसमें अनियोन्ती अलंकार है तो इसमें आपका अनियोती आ जाएगा अनियोती अलंकार क्योंकि बांध के माध्यम से आध्यात्मिक अर्थ की और संकेत है क्वेश्चन नंबर सिक्स है मानसरोवर डैश अनंतना जाही इस साखी में हंस और बांसरोवर किसके प्रतीक है तो हंस जीवात्मा का प्रतीक है और बांध आनंद वृतित्व वाले मन का शून्य शून्य विकार के अंतिम पर्यटों का प्रतीक है तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है जी ने ज्ञानी और संत किसे बताया तो जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से उठकर उट, उठकर प्रभु का ध्यान करे वो ज्ञानी है और वो संत है तो इसमें आपका सातवां प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट है मनुष्य कब महान कहलाता है तो जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं तो वो महान कहलाता है तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो आप देखिए ये मैंने जो सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करवाया उसमें भी ये क्वेश्चन था तो सैम्पल पेपर में, में भी है एम सी क्यू क्वेश्चन में भी है तो आपके पेपर में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर रहें बस क्वेश्चन नंबर नाइन है कबीर की रचनाएँ संकलित है किस में संकलित है कबीर ग्रंथावली में संकलित है तो इसमें आपका बी ऑप्शन कबीर ग्रंथावली हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन है तो कबीर दास की रचनाएं हमें मिलती हैं साखी के रूप में मिलती है सबद के रूप में मिलती है रमेनी के रूप में मिलती है तो इसमें आपका डी ऑप्शन सभी कथन सत्य आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर इलेवन कबीर दास के लिए क्या है तो कबीर दास के लिए समाज सुधार के कार्य है तो उसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कबीर दास जी के जो कबीर दास जी हैं वो निर्गुण के उपासक थे तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कबीर दास के गुरु का नाम क्या था तो गुरु का नाम था रामानंद तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा आप इसमें बी पे टिक कर लेंगे कबीर दास के माता पिता का नाम क्या था नीरू और नीमा नाम था तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा नीरू और नीमा उनके माता पिता का नाम था दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ तो कबीर दास जी का जन्म आप देखिए सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में वाराणसी में हुआ तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब यहाँ पे काव्यांश देख रखा है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ना देवल ना मैं मस्जिद ना काय कैलाश में ना तो कोने किया क्रम में ना योग विराग में खोजी हो तो तुरते मिले पल भर की तलाश में की कबीर सुनो भाई साहू सब सासों की सांस में तो ये जो आपका काव्यांश है इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन है लोग ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं मंदिर में ढूंढते हैं मस्जिद में ढूंढते हैं काबा कैलाश में ढूंढते हैं यानी उपयुक्त सभी जगह इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू है ईश्वर कहाँ रहता है मूर्ति में रहता है काशी में रहता है प्राणी के हृदय में रहता है या काबा में रहता है तो ईश्वर जो है वह प्राणी के हृदय में रहता है तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ पाते तो क्योंकि हमें अंधकारण को नहीं टटोलते क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि हम तीर्थयात्रा नहीं करते क्योंकि हम अपने बहुत आपको बहुत ज्ञानी समझते हैं तो हम अपना अंतकरण नहीं टटोलते तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कबीर ने इस पद में किस बात पर जोर दिया है तो उन्होंने ईश्वर का अपने हृदय में ध्यान पर जोर दिया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कबीर ने किन किन धारणाओं का खंडन किया है तो तो उन्होंने ये सारी बात खंडन की है कि ईश्वर मूर्तियों में ये भी खंडन किया है ईश्वर तीर्थ तीर्थ स्थानों में बसता है ये भी खंडन किया है किश्वर काबा कैलाश में ये भी खंडन किया है उपयोग सभी का खंडन किया है तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा तो ये आपका पोएम नंबर वन थी कबीर की कबीर दास की साखियाँ और सबद साखियाँ सबद अब हम हाँ वाक करेंगे जो कि आपका पोएम नंबर टू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वो भी चैनल पे डल चुकी है आप उसे भी डाल के देख सकते हैं और ये वीडियो लाइक ज़रूर करिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बाय बाय गाइज़